रहे मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी। खीर पहले तू खाती आज हम अपनी शाही तलवार नहीं लाए हैं। लाए हैं। है और क्या क्या छुपा रखा है तय खाने का फूलो फलो अरे फूलो फलो अरे कोने में तो चलो जानते है मेरा बाप को नहीं। भाई कौन नहीं जानता है 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे उनकी किताब पॉवर्टी ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी आप पारसी लोग जो हैं, हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ आप पारसी नहीं है आप पारसी नहीं है, है? आप दादा भाई नोरू जी के बेटे मतलब ये ये रोड आपके बाप की नहीं है मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है

अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर वाशिंग वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कृति सेना नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघव राघवन निश्वरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर सेकंड हाफ में कहानी झूलने लगती है पंचेज अपना असर खो देते हैं क्लाइमेक्स बेहद बचकाना है अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है अक्षय कुमार दोनों ही किरदारों में हेलेरियस साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृतिकरबंदा औसत रही हैं जॉनी लेबर अपनी पुरानी कॉमेडी की याद दिलाते हैं जबकि पांडे को अपनी भूमिकाओं के चयन पर ध्यान देना चाहिए इस तरह के रोल में वे पहले भी दिखे हैं बाबू देवल राणा धा रणजीत और सुद केलकर ठीक ठाक रहे हैं फिल्म का संगीत म्यूजिक लवर्स द्वारा पसंद किया गया था सोहेल सेन के संगीत में एक चुम्मा गाना रेडियो मिर्ची के आठवें पायदान पर बज रहा था तो तोबाला सैतान का सला तेरहवें पायदान पर बज रहा था अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउसफुल जैसी दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है फॉर की कहानी फोर्टीन नाइनटीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू थाउजेंड नाइनटीन के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 थाउजेंड नाइनटीन का हरी अन्यक्षय कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय नितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई

का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नींव ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ से जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कृति सेनन पूजा है

तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 सौ साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वही इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खींची हुई लगती है और चिकन हाम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राला दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को, को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई ज़रूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फ्रहाहास जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वह शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी फुल टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए फोर्टी के सीन काफी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं फोर्टी के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय अच्छा कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन कुमार बाबी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नितेश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसेपिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को, को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाभी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो निलीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालियां कैमिया रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमजोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पाँच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राज नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रेक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पैंस तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघव ने निशरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसा

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर छह सौ साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हैरी अन्यक्ष कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का टू थाउजेंड देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनु देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कहमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म औस जॉनी लिवर शरद केलकर चकी पांडे राणा में कहानी है जबरदस्ती के, के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में की की है। लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नींव ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ते जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज़ की सबसे कमज़ोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमज़ोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला ज़रूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ़ यही आप को याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कृति कृति सेनन पूजा हेगड़े खरबंदा रितेश देशमुख और बाबी देवल स्टार रिलीज हो चुकी थी कि रितेश देशमुख जो की दो सीरीज में नजर आ चुके हैं वही में अक्षय कुमार और हाउसपुलवल की नई एंट्री हुई है फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से जहाँ तीन भाई हैरी यानी अक्षय कुमार राय यानी रितेश देशमुख और माइक्स यानी बाबी देवल ने गुंडे माइकल भाई के पांच मिलियन डॉलर लौटाने हैं पैसा लौटाने के लिए तीनों अमीर शख्स ठकराल यानी रंजीत की तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खिंची हुई लगती है और चिकन हाम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले शाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वो शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए 49 नाइनटीन के सीन काफ़ी अच्छे हैं जो ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं 49 नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल फुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनकी ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार बाबी देओल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नितेश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार गिजे पिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को, को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं बॉबी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो लीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया कहमी रोल में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसैला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानीकार फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पाँच मिलियन डॉलर को कपड़े समझ कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब पति ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कृति सेनन नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा यानी पूजा हेकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 पहले अर्थात सन 1419 में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राज नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवनसरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर सेकंड हाफ में कहानी झूलने लगती है पंचेज अपना असर खो देते हैं क्लाइमैक्स बेहद बचकाना है अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है अक्षय कुमार दोनों ही किरदारों में हेलेरियस साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृतिकरबंदा औसत रही हैं जॉनी लेबर अपनी पुरानी कॉमेडी की याद दिलाते हैं जबकि पांडे को अपनी भूमिकाओं के चयन पर ध्यान देना चाहिए इस तरह के रोल में वे पहले भी दिखे हैं बाबू देवल राणा धा घुभा रणजीत और सुध केलकर ठीक ठाक रहे हैं फिल्म का संगीत म्यूजिक लवर्स द्वारा पसंद किया गया था सोहेल सेन के संगीत में एक चुम्मा गाना रेडियो मिर्ची के आठवें पायदान पर बज रहा था तो बाला शैतान का सला तेरहवें पायदान पर बज रहा था अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और ख़त्म होती है टू के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हैरी अन्यक्षय कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था टू थाउजेंड का राय नितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कहमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म औसत है इसलिए जबरदस्ती की, की खींची गई कहानी हमें बोर करती है जबरदस्ती के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में ठूसने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नींव ही इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कंफ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको बॉलीवुड खरबंदा रितेश देशमुख जो के दो सीरीज में नजर आ चुके हैं वही हाउसपुलर में अक्षय कुमार और बाबी देवल की नई एंट्री हुई है फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से जहाँ तीन भाई हैरी अक्षय कुमार राय देशमुख और माइक एनिबाबी देवल ने गुंडे माइकल भाई के पांच

कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा ने पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबा उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन

को बांधे रखा है वह एक चुकमान ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फ्रहासाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वो शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए 4019 नाइनटीन के सीन काफ़ी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं 4019 नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार बाबी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनानिक खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहां का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म है नीतीश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसेपटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाबी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो नीलीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया काइमियो रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर वाशिंग वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति, कृति सेना नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा पेजा, पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवन निश्वत खेलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसा

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन नाइनटीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हरी अन्यक्षय कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय नी देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म औसत है जॉनी लेबर शरद केलकर चकी पांडे राणा धगुबाती के टैलेंट को फिल्म में वेस्ट किया गया है फिल्म की कहानी हमें ट्रेलर में ही पता चल जाती है इसलिए ज़बरदस्ती की खींची गई कहानी हमें बोर करती है ज़बरदस्ती के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में ठूसने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की न्यू ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ छोड़ते जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कन्फ्यूजन से है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कृति सेनन पूजा हेगड़े कृति कृतिकरबुंदा रितेश देशमुख और बाबी देवल स्टार फिल्म हाउस पुल फोर रिलीज हो चुकी थी बता दें कि रितेश देशमुख जो कि अब हाउस पुल के दो सीरीज में नजर आ चुके हैं वही हाउसपुल फोर में अक्षय कुमार और बाबी देवल की नई एंट्री हुई है फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से जहाँ तीन भाई हैरी यानी अक्षय कुमार राय यानी रितेश देशमुख और मैक्स यानी बाबी देवल ने गुंडे माइकल भाई के पांच मिलियन डॉलर लौटाने हैं पैसा लौटाने के लिए तीनों अमीर शख्स ठकराल यानी रंजीत की तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 सौ साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबा उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खींची हुई लगती है और हाम में बोर करने लगती है। फिल्म की सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उसको को बांधे रखा है वह एक चुकमान ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले शाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वह शिवा गोलमाल रिटर्न थ्री गोलमाल अगेन रेडी फुल टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए फोर्टी के सीन काफी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं फोर्टी के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल पुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार भाभी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनानिक खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताजा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहां का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहां का पुनर्जन्म हैं नीतीश कुमार ने भले छिछौड़े फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछौरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसे पिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को, को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाभी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो लीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालियां कैमियों रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमजोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पाँच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रेज छक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघव ने निसरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर सेकंड हाफ में कहानी झूलने लगती है पंचेज अपना असर खो देते हैं क्लाइमैक्स बेहद बचकाना है अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है अक्षय कुमार दोनों ही किरदारों में हेलेरियस साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृतिकरबंदा औसत रही हैं जॉनी लेबर अपनी पुरानी कॉमेडी की याद दिलाते हैं जबकि पांडे को अपनी भूमिकाओं के चयन पर ध्यान देना चाहिए इस तरह के रोल में वे पहले भी दिखे हैं बाबू देवल देवर रा रणजीत और सुध केलकर ठीक ठाक रहे हैं फिल्म का संगीत म्यूजिक लवर्स द्वारा पसंद किया गया था सोहेल सेन के संगीत में एक चुम्मा गाना रेडियो मिर्ची के आठवें पायदान पर बज रहा था तो बला सैतान का साला तेरहवें पायदान पर बज रहा था अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर छह सौ साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का नाइनटीन का हायरियाक्ष कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था टू थाउजेंड का राय नी नितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधु बाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कैमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म सत है। जोनी लेबर शरद केलकर पांडे, के टैलेंट को फिल्म में, किया गया है। फिल्म की कहानी हमें में ही की की आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की न्यू ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ छोड़ते जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज़ की सबसे कमज़ोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमज़ोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला ज़रूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ़ यही आप को याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कृति कृति सेनन पूजा हेगड़े खरबंदा रितेश देशमुख और बाबी देवल स्टार रिलीज हो चुकी थी कि रितेश देशमुख जो की अब हाउस के दो सीरीज में नजर आ चुके हैं वही में अक्षय कुमार और हाउसपुलवल की नई एंट्री हुई है फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से जहाँ तीन भाई हैरी यानी अक्षय कुमार राय रितेश देशमुख और माक यानी बाबी देवल ने गुंडे माइकल भाई के पांच मिलियन डॉलर लौटाने हैं पैसा लौटाने के लिए तीनों अमीर शख्स ठकराल यानी रंजीत की तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा ने पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वही इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खिंची हुई लगती है और चिकन हाम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बॉबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले शाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वह शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए 49 नाइनटीन के सीन काफ़ी अच्छे हैं जो ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं 49 नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल फुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनकी ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार बाबी देओल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनानी कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नीतीश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फॉर में दिखते हैं अक्षय कुमार गिजे पिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को, को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं बॉबी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो लीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया कहमी रोल में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसैला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर वाशिंग वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन नेहा कृति खरबंदा और पूजा पेजा, पूजा हेकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 पहले अर्थात सन चौदह में सितमगढ़ का राजकुमार बाला सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवन शरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाइन ने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है अक्षय किरदारों हाँ में लगती है। पंचेज अपना असर खो देते हैं। क्लाइमेक्स साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वे मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हेगड़े और कृतिक

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस, बार देवल, कृति नन, कृति खरबंदा और पूजा इस फिल्म से जुड़े हैं। फिल्म पिछली दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है, की है। पिछले जन्म का अधूरा प्यार जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 थाउजेंड नाइनटीन का हायरिया कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था टू थाउजेंड का राय नितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स एनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जुड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म औसत है जॉनी लिवर शरद केलकर चकी पांडे राणा धगुबाती के टैलेंट को फिल्म में वेस्ट किया गया है फिल्म की कहानी हमें ट्रेलर में ही पता चल जाती है इसलिए ज़बरदस्ती की खींची गई कहानी हमें बोर करती है ज़बरदस्ती के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में ठूसने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नींव ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ से जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फराहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कृति सेनन पूजा है

तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 सौ साल पहले यानी साल फोर्टी नाइनटीन में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि छः साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कीति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा ने पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबा उबाऊ नहीं लगती है जिससे कीर्ति सेनन करती खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन

को बांधे रखा है वह एक चुकमान ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फरहासाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वो शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए 4019 नाइनटीन के सीन काफ़ी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं 4019 नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल फुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल फुल फोर की रिलीज के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन अक्षमार बाबी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म है नीतीश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसेपिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाबी देओल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो नीलीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया कैमिया रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर वाशिंग वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेना नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवनस केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसा

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन नाइनटीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हरी अन्यक्षय कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय नी देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई

पैसा लौटाने के लिए तीनों अमीर शख्स ठकराल यानी रंजीत की तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां छह सौ साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक शु को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला देव सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृतिसन कृतिक खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफी खूबसूरत लगते हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खींची हुई लगती है और चिकंडहााम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो, उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फ्रहा इससे पहले हाउस फुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वह शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस फुल टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फुल फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए फोर्टी के सीन काफी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं फोर्टी के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार भाभी देओवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नीतीश कुमार ने भले छिछौरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछौरे के तौर पर वह हाउसफुल फॉर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसे पिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं बाबी देवल और रितेश देशमुख का अनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो लीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालियां कैमिया रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमजोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पाँच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन नेहा कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रेज छक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पैंस तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवन ने निशरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर सेकंड हाफ में कहानी झूलने लगती है पंचेज अपना असर खो देते हैं क्लाइमैक्स बेहद बचकाना है अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है अक्षय कुमार दोनों ही किरदारों में हेलेरियस साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृति खरबंदा औसत रही हैं जॉनी लेबर अपनी पुरानी कॉमेडी की याद दिलाते हैं जबकि पांडे को अपनी भूमिकाओं के चयन पर ध्यान देना चाहिए इस तरह के रोल में वे पहले भी दिखे हैं बाबू देवल राणा धक्ती रणजीत और सुध केलकर ठीक ठाक रहे हैं फिल्म का संगीत म्यूजिक लवर्स द्वारा पसंद किया गया था सोहेल सेन के संगीत में एक चुम्मा गाना रेडियो मिर्ची के आठवें पायदान पर बज रहा था तो बला सैतान का साला तेरहवें पायदान पर बज रहा था अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर छह साल बाद तीन और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं धर्मपुत्र था इन लोगों की जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म औसत है जॉनी लेबर शरद केलकर चक्की पांडे राणा धगुबाती के टैलेंट को फिल्म में वेस्ट किया गया है फिल्म की कहानी हमें ट्रेलर में ही पता चल जाती है इसलिए ज़बरदस्ती की खींची गई कहानी हमें बोर करती है ज़बरदस्ती के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में ठूसने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की न्यू ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ से। जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाल जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार में नजर आ चुके हैं वही में अक्षय कुमार और बाबी देवल की नई एंट्री हुई है फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से जहाँ तीन भाई हैरी अक्षय कुमार राय देशमुख और माइक अन्यवल ने गुंडे माइकल भाई के पांच मिलियन डॉलर लौटाने हैं पैसा लौटा उटाने के कोशिश करते हैं इसके सभी शादी के लिए पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो की करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा ने पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वही इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खिंची हुई लगती है और चिकन हाम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नज़र आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले प्रहहा शाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वो शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए 49 नाइनटीन के सीन काफ़ी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं 49 नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनकी ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार बाबी देओल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनानी कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नितेश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फॉर में दिखते हैं अक्षय कुमार गिजे पिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को, को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं बॉबी देओल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो लीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया कहमी रोल में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसैला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर को कपड़े समझ कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन नेहा कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 पहले अर्थात सन चौदह में सितमगढ़ का राजकुमार बाला सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पैंस तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवनसरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाइन में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर हाँ गंजे अच्छा लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हेगड़े और कृतिक

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और ख़त्म होती है टू के सितमगढ़ पर छह सौ साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 थाउजेंड नाइनटीन का हायरिया अन्यक्षय कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय रितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स एनि बोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म सत है जोनी लिबर शरद केलकर चकी पांडे राणा धगुबाती के टैलेंट को फिल्म में वेस्ट किया गया है फिल्म की कहानी हमें ट्रेलर में ही पता चल जाती है इसलिए जबरदस्ती की खींची गई कहानी हमें बोर करती है जबरदस्ती के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में ठूसने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नींव ही हिला दी है ऐसा कोई कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ छोड़ते जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आप

तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला देव सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सीरन कृतिक खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खींची हुई लगती है और चिकन चिकंडहा में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फरहा शाम जी इससे पहले हाउस पुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वो शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस पुल टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस पुल फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए फोर्टी नाइनटीन के सीन काफी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं फोर्टी नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार बाबी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहां का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म है नीतीश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसेपिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाबी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ों को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो नीलीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया कैमिया रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर वाशिंग वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति, कृति सेना नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा पेजा, पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवन निशरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर सेकंड हाफ में कहानी झूलने लगती है पंचेज अपना असर खो देते हैं क्लाइमेक्स बेहद बचकाना है अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है अक्षय कुमार दोनों ही किरदारों में हेलेरियस साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृति खरबंदा औसत रही हैं जॉनी लेबर अपनी पुरानी कॉमेडी की याद दिलाते हैं जबकि पांडे को अपनी भूमिकाओं के चयन पर ध्यान देना चाहिए इस तरह के रोल में वे पहले भी दिखे हैं बाबू देवल रा घुभा रणजीत और सुध केलकर ठीक ठाक रहे हैं फिल्म का संगीत म्यूजिक लवर्स द्वारा पसंद किया गया था सोहेल सेन के संगीत में एक चुम्मा गाना रेडियो मिर्ची के आठवें पायदान पर बज रहा था तो बाला सैतान का साल तेरहवें पायदान पर बज रहा था अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन नाइनटीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हैरी अन्यक्षय कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय नितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई

का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नीला ही ही इस, इस, इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है हाँ समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कंफ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको

कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वही इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबा उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खींची हुई लगती है और चिकन हाम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को, को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई ज़रूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फ्रहाहास शाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वह शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी फुल टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए फोर्टी के सीन काफी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं फोर्टी के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह तो एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल फुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल फुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार भाभी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नितेश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में देखते हैं अक्षय कुमार घिसे पिटे चुटकुले और बेतरतीब के संवादों के साथ खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाभी देओल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो निलीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय कुमार से ज़्यादा तालिया कैमिया रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेष के बावजूद कमजोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पाँच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रेज छक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पैंस तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघव ने निशर केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसा में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर हाँ अच्छा गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृति

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हैरी अन्यक्ष कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय नी देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधु बाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कहमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म औसत है जोनी लेबर शरद केलकर चक्की पांडे राणा दगुबाती के टैलेंट को फिल्म में वेस्ट किया गया है फिल्म की कहानी हमें ट्रेलर में ही पता चल जाती है इसलिए ज़बरदस्ती की खींची गई कहानी हमें बोर करती है ज़बरदस्ती के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में ठूसने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की न्यू ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ से जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमज़ोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कृति से पूजा है

तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे एक शुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वही इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खिंची हुई लगती है और चिकन हाम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले शाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वह शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए 49 नाइनटीन के सीन काफ़ी अच्छे हैं जो ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं 49 नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन एक्श कुमार बाबी देओल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नीतीश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार गिसेपटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को, को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं बॉबी देओल और नितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो लीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया कैमियों रोल में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसैला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर को कपड़े समझ कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति कृति सेनन नेहा कृति खरबंदा और पूजा पेजा, पूजा हेकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राय नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पैंस तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवनसरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर सेकंड हाफ में कहानी झूलने लगती है पंचेज अपना असर खो देते हैं क्लाइमैक्स बेहद बचकाना है अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है अक्षय कुमार दोनों ही किरदारों में हेलेरियस साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृतिकरबंदा औसत रही हैं जॉनी लेबर अपनी पुरानी कॉमेडी की याद दिलाते हैं जबकि पांडे को अपनी भूमिकाओं के चयन पर ध्यान देना चाहिए इस तरह के रोल में वे पहले भी दिखे हैं बाबू देवल राणा धा घुभा रणजीत और सुध केलकर ठीक ठाक रहे हैं फिल्म का संगीत म्यूजिक लवर्स द्वारा पसंद किया गया था सोहेल सेन के संगीत में एक चुम्मा गाना रेडियो मिर्ची के आठवें पायदान पर बज रहा था तो बाला सैतान का साला तेरहवें पायदान पर बज रहा था अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और ख़त्म होती है टू के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 थाउजेंड नाइनटीन का हायरिया कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय नितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स एनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृतिक पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि के के खींची गई कहानी हमें बोर करती है जबरदस्ती के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में ठूसने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नींव ही इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कंफ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको बॉलीवुड खरबंदा रितेश देशमुख जो के दो सीरीज में नजर आ चुके हैं वही हाउसपुलर में अक्षय कुमार और बाबी देवल की नई एंट्री हुई है फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से जहाँ तीन भाई हैरी अक्षय कुमार राय रितेश देशमुख और यानी एनिबाबी देवल ने गुंडे माइकल भाई के पांच

कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा ने पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबा उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन बोर करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खींची हुई लगती है, और है लेकिन फिल्म की अधिक कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को बांधे रखा है वह एक चुकमान ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई जरूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फ्रहासाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वो शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी हाउस टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए 4019 नाइनटीन के सीन काफ़ी अच्छे हैं जो ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं 4019 नाइनटीन के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी ही एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रायन अक्षमार बाबी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनानिक खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहां का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म है नीतीश कुमार ने भले छिछोरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछोरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसेपटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाबी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो नीलीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालिया काइमियो रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसैला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेश के बावजूद कमजोर कहानी कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पांच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर वाशिंग वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति, कृति सेना नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा पेजा, पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राज नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवन श्रोत खेलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसाने में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर सेकंड हाफ में कहानी झूलने लगती है पंचेज अपना असर खो देते हैं क्लाइमेक्स बेहद बचकाना है अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है अक्षय कुमार दोनों ही किरदारों में हेलेरियस साबित हुए हैं गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है कृति सेना ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और कृति खरबंदा औसत रही हैं जॉनी लेबर अपनी पुरानी कॉमेडी की याद दिलाते हैं जबकि पांडे को अपनी भूमिकाओं के चयन पर ध्यान देना चाहिए इस तरह के रोल में वे पहले भी दिखे हैं बाबू देवल राणा धुबाती रणजीत और सुद केलकर ठीक ठाक रहे हैं फिल्म का संगीत म्यूजिक लवर्स द्वारा पसंद किया गया था सोहेल सेन के संगीत में एक चुम्मा गाना रेडियो मिर्ची के आठवें पायदान पर बज रहा था तो तोबाला सैतान का सला तेरहवें पायदान पर बज रहा था अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउसफुल जैसी दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है फॉर की कहानी फोर्टीन नाइनटीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू थाउजेंड नाइनटीन के सितमगढ़ पर 600 साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हरी अन्यक्षय कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का राय नी नितेश देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधुबाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई

का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की नींव ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ से जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है लेकिन इस बार अक्षय के फैंस को यह फिल्म निराश कर सकती है फरहा समझी का निर्देशन बहुत कमजोर है और कन्फ्यूजन से भरा है कहानी के नाम पर कुछ भी नया नहीं है वही पैसों के लिए लड़कियों को पटाना और वही पुनर्जन्म की घिसी पिटी कहानी आपको बोर करती है फिल्म का गाना बाला जरूर अच्छा है और फिल्म से बाहर निकलते वक्त सिर्फ यही आपको याद रह जाएगा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कृति से नूजा है

तीनों बेटियों कृति नेहा और पूजा को फंसाने की कोशिश करते हैं इसके बाद सभी शादी के लिए सितम कर जाते हैं यह वही जगह है जहां 600 सौ साल पहले यानी साल 1419 में साथ थे फिल्म में हैरी का रोल निभा रहे अक्षय कुमार को बीते बीती बातें याद आती हैं उन्हें याद आता है कि 600 साल पहले वो राजकुमार बाला सिंह थे जिनकी शादी मधु यानी इस जन्म में जो कि करती है कृति सेनन से होने वाली है जबकि इस जन्म में वो पूजा यानी पूजा हेगड़े से शादी करने जा रहे हैं इसके बाद शुरू होती है फिल्म की कहानी जिसमें इस जन्म के किरदारों को पिछले जन्म से जोड़ा जाता है वह इस दौरान कई नए किरदार की एंट्री होती है जिसमें फिल्म उलझी हुई लगती है फर्स्ट हाफ में फिल्म ठीक ठाक है जो दर्शकों को उबा उबाऊ नहीं लगती है जिससे कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े के ग्लैमरस अंदाज के साथ साथ उनका देसी लुक भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों काफ़ी खूबसूरत लगती हैं फिल्म स्लो है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है कई सीन करते हैं वही कई फनी सीन पर भी हंसी नहीं आ पाती फिल्म खींची हुई लगती है और चिकन हाम में बोर करने लगती है फिल्म की कहानी खत्म होते होते दर्शक खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है जिसके चलते फिल्म का रोमांच भी बरकरार नहीं रहता है एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है लेकिन फिल्म की अधिक स्टार कास्ट के चलते एक्ट्रेस के ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है हालांकि उन्हें जितना रोल मिला उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है गामा का रोल निभाने वाले राणा दगुबाती जितने समय नजर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शक को बांधे रखा है वह एक कुमार ने भी हमेशा की तरह अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है बात चाहे बाला की हो या हैरी की अक्षय ने अपने रोल के साथ इंसाफ किया है फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाबा के अवतार पर फिल्म में दिखाया गया है उनके रोल की फिल्म में कोई ज़रूरत नहीं थी वही बाबी देवल फिल्म में कुछ एक्शन सीन करते नजर आ रहे हैं हालांकि उनका रोल दमदार नहीं है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले फ्रहाहास शाम जी इससे पहले हजपुल थ्री को भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले वह शिवा गोलमाल रिटर्न गोलमाल थ्री गोलमाल अगेन रेडी फुल टू हाउस थ्री चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं हाउस फोर के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है फिल्म में दिखाए गए फोर्टी के सीन काफी अच्छे हैं जो ब्लॉक फिल्म बाहुबली की याद दिलाते हैं फोर्टी के सेट से लेकर महल के अंदर फिल्माए गए दृश्य तक में दर्शकों को फिल्म बाहुबली की याद आएगी फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जो दर्शक की जुबा पर चढ़ जाए या थिएटर से बाहर आकर उसे गुनगुनाने का पर मजबूर हो जाए फिल्म के फिल्म के गानों में बाला सॉन्ग की कुछ लाइन शायद ही आपको याद रह जाएंगी वही फोर्टी नाइनटीन की कहानी के दौरान दिए गए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो आप इसे देखने जा सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ आपको बोर कर सकती है लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपना एक खास ब्रांड बना रखा है वह एक तरफ तो भारतीयता को बढ़ावा देने की फिल्में करके अपना नाम बनाते हैं तो दूसरी तरफ हाउसफुल पुल फोर जैसी उल जुल कहानियों पर बनी फिल्में करके पैसा कमाते हैं सिनेमा के इतिहास में उनका नाम से ज़्यादा पैसा कमाने वाले हीरो के तौर पर दर्ज होगा या फिर देशभक्त हीरो के तौर पर ये खुद अक्षय कुमार ही तय करेंगे लेकिन हाउसफुल पुल फोर की रिलीज़ के दिन उनके धूम फोर में काम करने की खबर जिस तरह से यशराज फिल्म ने हवा निकाली है उससे उनके ब्रांडिंग पर बहुत खराब असर पड़ रहा है और ऐसी एक खराब फिल्म है हाउसफुल फुल फोर फिल्म हाउसफुल फुल फोर की कहानी लंदन से शुरू होती है जहां हैरी मैक्स और रॉयन कुमार बाबी देवल और रितेश देशमुख को वहां के डान के कुछ पैसे चुकाने हैं इस मुसीबत से पार पाने के लिए वे तीनों अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले कीर्ति यानी नेहा और पूजा यानी कृति सेनान कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े को अपने प्यार में फंसा लेते हैं और शादी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं सभी शादी करने के लिए भारत में सितमगढ़ आ जाते हैं सितमगढ़ आकर हैरी की पिछले जन्म की भी सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं उससे यह पता चलता है कि वहाँ छः साल पहले वहाँ का राजकुमार था उसे पता चलता है कि वह 600 साल पहले वह यहाँ का राजकुमार था जिसका नाम बाला होता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे सभी लोग भी यहाँ का पुनर्जन्म हैं नितेश कुमार ने भले छिछौरे फिल्म बनाई हो लेकिन असली छिछौरे के तौर पर वह हाउसफुल फोर में दिखते हैं अक्षय कुमार घिसे पिटे चुटकुले और बेहतर तेब के संवादों के साथ है। खास तरह की मौखिक मुद्राएं बनाकर वह दर्शकों को, को हंसाने की कोशिश करते हैं और कई बार स्क्रीन पर भोंडे लगते हैं भाभी देवल और रितेश देशमुख का अभिनय औसत है और कृतिक खरबंदा पूजा हेगड़ो को फिल्म में बस फ्रेम सुंदर दिखाने से ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला है जो निलीवर जरूर रंगीला के किरदार में अपनी छाप छोड़ते हैं फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय से ज्यादा तालियां कैमियों रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलती हैं अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा जरूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग फोर में होता नज़र नहीं आता कुल मिलाकर हाउसफुल फोर को पार्ट थ्री की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमजोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी अक्षय कुमार खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी मनोज पाहवा के पाँच मिलियन डॉलर्स को कपड़े समझकर कर वॉशिंग मशीन में धो देता है बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स यानी बाबी देवल और राय यानी रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है पैसों का जुगाड़ करने के लिए तीनों अरब ठकराल यानी रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन नेहा यानी कृति खरबंदा और पूजा निपेजा पूजा हैकड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सितमगढ़ आते हैं जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन छः सौ पहले अर्थात सन चौदह सौ उन्नीस में सितमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था उसे यह बात तो उसका विश्वास पात्र नौकर पास्ता नीचे की पांडे याद दिलाता है जब हैरी को यह एहसास होता है कि इस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभीियों से शादी करने जा रहे हैं तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु और राज नृत्य के गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंग्रेक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी जबकि नेहा राजकुमारी माला थी कहानी में पैंस तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी राणा दगुबाती और पप्पू रंगीला और राघवन ने निशरत केलकर भी इस जन्म में सितमगढ़ आ पहुंचते हैं पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी और बदले की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं यही आपको इस फिल्म में दिखाया गया है निर्देशक फरहा सामजी ने कॉमेडी पैदा करने के लिए पुनर्जन्म और इस जन्म के किरदारों के बीच के कन्फ्यूजन का सहारा लिया इसमें उन्होंने माइंडलेस कॉमेडी के साथ कई बचकाने पंच भी डाले हैं जो अगर आप अतार्किक होकर देखें तो आपको हंसा में कामयाब रहती है मगर यह पूरी तरह से बांधने में नाकाम रहती है फर्स्ट हाफ बेहतर है मगर हाँ अच्छा गंजे लुक में भी अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के कारण वह मनोरंजन करते हैं रितेश देशमुख इस तरह के जनाना किरदारों में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है ने अपने किरदारों को अच्छे से अंजाम दिया है पूजा हैगड़े और

अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी ये फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में तीन हीरो और तीन हीरोइन हैं। अक्षय कुमार और देशमुख के अलावा फिल्म में लीड एक्टर्स फिर से बदल गए हैं इस बार बॉबी देवल कृति सेनन कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े इस फिल्म से जुड़े हैं क्या फिल्म पिछली हाउस जैसी दर्शकों को, को हंसाने में कामयाब हो पाई है आइए जानते हैं जैसा कि फिल्म के ट्रेलर से ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी पुनर्जन्म की है पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में पाने की कोशिश होती है फिल्म में बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा मसाला डालने की कोशिश की गई है हाउस फुल फोर की कहानी फोर्टीन के सितमगढ़ से शुरू होती है और खत्म होती है टू के सितमगढ़ पर छह सौ साल बाद तीन जोड़े और उनके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं 2019 का हैरी अन्यक्ष कुमार जो 1419 में राजकुमार बाला था 2019 का टू थाउजेंड देशमुख जो कि 1419 में डांस गुरु था और 2019 का मैक्स अनिबोबी देवल जो कि 1419 में अंगरक्षक धर्मपुत्र था इन लोगों की इस जन्म में फिर से अपनी अपनी प्रेमिकाओं कृति पूजा और नेहा से मुलाकात होती है जो पिछले जन्म में राजकुमारी मधु बाला और मीना थी फिल्म में बहुत सारे कहमियों हैं और छोटे छोटे रोल में कई बड़े कलाकार जोड़े गए हैं दुख की बात यह है कि इतने सारे कलाकारों के होने के बावजूद यह फिल्म औस जॉनी लेबर शरद केलकर चकी पांडे राणा में किया गया है। फिल्म की कहानी हमें ट्रेलर में ही पता चल जाती है जबरदस्ती के, के डायलॉग्स और जोक्स फिल्म में की की गई है लेकिन फिर भी आपको हंसी नहीं आएगी फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत कमजोर लिखे गए हैं अक्षय कुमार हर बार की तरह अपने खास अंदाज में कॉमेडी करते हैं उनके अलावा पर्दे पर किसी और का जादू नहीं चलता बेतुकी कहानी और कमजोर निर्देशन ने फिल्म की न्यू ही हिला दी है ऐसा कोई किरदार या ऐसा कोई पल नहीं है जो आपके मन में छाप छोड़ से जो आपके मन में छाप छोड़े हाउसफुल फोर इस सीरीज की सबसे कमज़ोर फिल्म है इससे पहले बनी फिल्मों में आपको हंसी आती है